हे गाइस, कैसे हो आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमआई फोन की कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरुआत में हम कोई भी अगर फोन लेते हैं सेकेंड हैंड, तो हम उसका ऊपर से ही मतलब जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वही देखते हैं कि भाई ऊपर से अच्छा लग रहा है, चमक रहा है तो ले लीजिए। लेकिन अंदर की हम उसकी टेस्टिंग नहीं करते। तो टेस्टिंग करने के लिए हम अपने एमआई के फोन में आएंगे। मेरा ये एमआई नोट 4 है। तो आपको यहाँ एक सेक्शन मिलेगा अबाउट फोन का, ठीक है। यहाँ अबाउट फोन नाम का आपको एक सेक्शन मिल रहा होगा। ये वैसे सभी फोन में होता है, लेकिन मैं आपको एमआई के फोन में कुछ बताने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हम इसे एक बार ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे जो है मतलब डिवाइस नेम, डिवाइस मॉडल, एंड्रॉयड वर्जन सारा खुल के आ जाएगा। हमें यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज, आप देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज, इस पे हमें आप यहाँ पर 3 4 बार यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे मैंने क्लिक कर दी तो हमारे सामने कुछ ओपन हो जाए, खुल करे। यहाँ पर है फोन इंफॉर्मेशन टू, बैटरी इन्फो, ठीक है, और वाईफाई इंफॉर्मेशन। आप यहाँ देख सकते हो सारा ही ऊपर होके आ गया। सबसे पहले हम फोन इंफॉर्मेशन वन को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सी सेटिंग खुल के आ सकती है। आप यहाँ पर अपना फोन नंबर, ठीक है, और जो यहाँ पर करंट नेटवर्क है, सिग्नल स्ट्रेंथ आप यहाँ देख सकते हो, वॉइस सर्विस, डाटा सर्विस, ठीक है, और यहाँ पर रंग पिन टेस्ट आप कर सकते हो ऐसे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग आ जाती है। अब हम फोन इंफॉर्मेशन टू पर जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर सेटिंग आ रही है। यहाँ पर मेरे फोन नंबर भी आ गया, आप यहाँ देख सकते हो मेरा फोन नंबर भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग आ रही है। अब हम यहाँ बैक आएंगे, यहाँ पर बैटरी इन्फो, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब सेटिंग है। हम यहाँ पर बैटरी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी लेवल में इतनी है, और यहाँ पर बैटरी हेल्थ नाम से एक सेक्शन आपको मिल रहा होगा। ये आप देख सकते हो बैटरी हेल्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप बैटरी की देख सकते हो कि बैटरी कंडीशन क्या है, अच्छी है या खराब है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वाईफाई के बारे में मिल जाता है। अब मैं आपको दूसरी जो सेटिंग बताने वाला हूँ वो यहाँ पर बेस बैंड वर्जन, ये आप देख सकते हो बेस बैंड वर्जन नाम से एक ये है। तो हम यहाँ पर जस्ट 3 4 बार दोबारा क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, सॉरी दोस्तों यहाँ बेस बैंड वर्जन नहीं है, यहाँ पर कर्नल वर्जन, ये ऐसा है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कर्नल वर्जन, यहाँ पर भी अभी बहुत सारा देखने को मिल जाता है। यहाँ पहला है वर्जन इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप IMEI नंबर भी मालूम कर सकते हो, बिल्ड नंबर सारा कुछ, CPU वगैरह सब यहाँ पर, पास फेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सेंसर वगैरह, ठीक है। तो मैं भी बैक आ गया हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ। यहाँ पर आप ALS PC सेंसर वगैरह, ठीक है, और यहाँ पर हॉल स्विच, मैग्नेटिक सेंसर, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और टच पेन, ये हमारी टच ठीक तरह से कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये तो मेरी टच अभी ठीक वर्क कर रही, थोड़ा थोड़ा वर्क नहीं कर रही, यहाँ पर नीचे की साइड आ गया, आप देख सकते हो, बाकी ऊपर तो मेरा अच्छी खासी वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये है, और यहाँ बैग आ चुका हूँ मैं। तो इसके बाद ज्यादा खास सेटिंग है नहीं है, यही सेटिंग है। तो ऐसे आप यहाँ से ठीक यहाँ से सेटिंग करके कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे बहुत सारी मुझे बहुत देर लगी अगर मैं एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों यही कुछ सेटिंग है। आप एक अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।